अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी दी खूबसूरती है ये कि प्यार मुहब्बत दे नाल ते आजजी दे नाल चलिया जाए। तो अगर तुहानू कोई एटीट्यूड दिखाए तो उन्हूं उस तो ज़्यादा एटीट्यूड दिखा के उन्हूं पूरा पैकेज पेश करो। किसी नूं फोन करो तो तुहाडा कोई फोन अटेंड ना करे तो तुहानू इग्नोर करे तो जनाब उहदा नंबर ही डिलीट कर दिंदे आ, ताकि उन्हूं भी कदी तां कदी जरूरत पएगी तो फोन करेगा तो फिर अपना तारफ करवाएगा, जनाब मैं फलां हैगा वा, क्योंकि नंबर सेफ होण ते नाम लिखे होंदे ने। खैर बहरहाल जिंदगी ऐसे तरह भरी तो भरी दुनिया है, जिंदगी चलती रहती है, किसी एक बंदे दे नाल जिंदगी मनसूब नहीं होंदी, ऐ मेरा मनना है। खैर बहरहाल ए एक चीज़ मैं बनाई है जनाब, मैं तुहानू दिखाण लगा वा, तुसी देखोगे, तुसी अपने बर्ड्स नू एक बारी मेरे कहने ते ट्राई जरूर करवाना। अठ अठ नौ नौ अंडे देनगियां फीमेल, तीन शाला तला अठ अठ नौ नौ बच्चे जरूर पालनगियां। साइजिंग तुसी लाजमी करनी है, मतलब कि कोई अंडे चार दिन पहले बच्चा निकलिया या पाँच दिन पहले निकलिया, एक अज निकल रहा है तो एक जो अज निकलिया उस साइज़ के बच्चे के नाल उन्हें कितने शिफ्ट कर देना, तुसी बच्चे ते निशान लगा देना है, मतलब कि साइजिंग का भी एक अलग मौजू है। खैर अठ अठ नौ नौ बच्चे फीमेल देनगियां तुहानू पाल के। ऐसी चीज़ दसन लगा वा, वो साढ़े एक दोस्त है इस्लामाबाद के अली असद जैदी साहब, और मैं एक जगह पर मुलाकात हुई तो उन्हें कहा जी तुम देखने तो कोई हकीमी नुस्खे याद आ जाते हैं, क्योंकि घर जो असं चीज़ बनाने ना अपने परिंदों वास्ते अपने बर्ड्स वास्ते तो असी पूरी मुहब्बत के नाल बनाने, जी बाज़ारों चीज़ मिलती है ना बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है तो नाले उन्होंने कमाई करनी होती है। लव बर्ड जोड़े है ना पहले है शौक है बाद चो बिजनेस है, जोड़े पहले बिजनेस बना के बाद चो शौक करते हैं ना वो कामयाब नहीं होते, पहले लव बर्ड शौक है वो बाद बिजनेस है, ठीक है। तो असं लव बर्ड में जो शौक करने ना तो इन्होंने नाल सू इन्ना लगाव होता कि इन्होंने छोटे छोटे बच्चों असं अपने बच्चे समझ के पालने, जिस तरह अपने बच्चों असी अच्छी तो अच्छी चीज़ खवा की कोशिश करते हैं, इस तरह लव बर्ड में भी अच्छी तो अच्छी चीज़ खवा की कोशिश करते हैं। तो बाजारी चीज़ों को समटाइम बंदा अवॉइड कर देता है किसी के एटीट्यूड की वजह तो, या कोई मजीद अच्छी चीज़ घर च बना के देने की वजह, कोई बंदा घर के बैठ के अच्छा एग एंड बिस्किट बना सकता है तो शानदार चीज़ बन सकती है जो तुहाडे बर्ड न 110% ताकत भी देगी तो 110% बर्ड रिजल्ट भी देगा जो तुम घर के चीज़ बनानी है। तो जनाब मैं एग एंड बिस्किट घर बनाया, मैं सोचा तुहाडे दोस्तों ने शेयर कर दिए, हो सकता है किसी होर भी फायदा होइए कि वह भी अपने एग एंड बिस्किट के चीज़ शामिल करे तो अच्छी चीज़ शामिल करे जिस बादाम भी ने, मगजियात भी है, बिस्किट भी है, मछली का तेल भी है, तो अंडा भी है, तो वो नाल काले चने भी ने, ठीक है जी। ए वीडियो देखो तुम मज़ा आएगा, असी तो बना रहे हैं बर्ड्स वास्ते कि जनाब बर्ड अच्छी परफॉर्म करके सन दे, अच्छी ब्रीड दे। तो बड़ी मुख्तसर गल करा, मेरे को इन्ना टाइम नहीं कि मैं पूरी चीज़ें ग्रैंड करके तुम दिखा सकता। यह वेख सकते हो तुम, यह तैयार हो चुके हैं, ये जो मैं चार पाँच चीज़ा मिलाइया ने ना वो अगे मैं वीडियो अटैच करूँगा, तुम देखना इंशाल्लाह ताला एक बारी तुम बर्ड्स को खवा दो सॉफ्ट फूड के उत्ते पा के, तो फिर देखना कि बर्ड परफॉर्म कैसा करता। जोड़े ढीठ जोड़े चलते ही नहीं ना, मसलन कोई एक्सपेंसिव म्यूट्रिशन वाले है जिस तरह डन फैलो है, ब्राउंस फैलो है, येलो फेस है, एक्वा पेल फैलो है, महंगे महंगे बर्ड भी है ना, वो एक बार ट्राई करवा जरूर, देसी चीज़ एक बार ट्राई करा के वेख लैन के रिजल्ट की आता है। तो वीडियो मैं अटैच कर रहा वा नाल, तुसी देखोगे तुहानू मज़ा आएगा। तो जिहड़े लिक्विड चीज़ा इच मैं दो पाइया सन वो ग्रैंड कीतियां सन, उहदे बाद इस चीज़ नू मैं धुप्पे सुकन वास्ते रख दिता सी, वो तकरीबन कोई चार तो पाँच घंटे सुक गई, उहदे बाद मैं एयर टाइट बॉक्स इच बंद कर दिता। एक किलो के उत्ते एक सूप वाला चम्मच हैगा जिहा, बर्ड्स रूम चो आवाज़ा आ रही होनगियां। मैं रहीम भाई की गल याद आती है, रहीम भाई कहते हैं कि साइलेंट एवरी इज़ अ डेड एवरी, बर्ड का जो शोर है ना वही दसदा कि बर्ड कितना हैप्पी तो कितना एक्टिव है। अपन दुआवां याद रखना, मैं ये नाल वीडियो अटैच कर रहा वा, वेखना तो अपने घर च बैठ के चीज़ बनाना तो ताड़ा बर्ड देखना कैसा परफॉर्म करेगा कि तुम मज़ा आ जाएगा। अठ अठ नौ नौ अंडे तो अठ अठ नौ नौ बच्चे भी इंशाल्लाह तुम कट के देगा। अपनिया दुआवां याद रखना, चैनल तो नवे तो सबसक्राइब कर देना, वीडियो अटैच कर रहे हैं, वीडियो देख लेना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो जनाब जिस मैं हकीमी नुस्खे की गल कर रहा सो मैं तुम दिखाने लगा वा, इंशाल्लाह ताला ए बर्ड वास्ते बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ताकतवर ने। तो जनाब जरूरत इजाद की माँ हैगी है,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਬਣਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਸਬਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਦਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਮ ਐਲ ਲਿਤੇ ਨੇ, ਆਧਾ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਧਾ ਪਾਓ ਬਦਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੀਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਧਾ ਪਾਓ ਚਾਰੋਂ ਮਗਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮਗਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਲੇ ਚਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਆਧਾ ਕਿਲੋ ਭੁੱਜੇ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਜੀ, ਆਧਾ ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਜੀ ਬਿਸਕਿਟ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੌਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਕਿਟ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਬਿਸਕਿਟ ਨੇ ਗੰਦਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਸਕਿਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਓ, ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ 9 ਬਿਸਕਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਇਹ ਲਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਗੰਦਮ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਸਕਿਟ ਲਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੌਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸਕਿਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਲਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਲਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ 5 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਮਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ 2 ਅੱਧਾ ਡੰਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਧਾ ਪਾਓ ਬਦਾਮ ਪੀਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਧਾ ਪਾਓ ਚਾਰੋਂ ਮਗਜ਼ ਪੀਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਧਾ ਕਿਲੋ ਕਾਲੇ ਚਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਸਕਿਟ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਸਕਿਟ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਦਾਮ ਦਾ ਵੀ, ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਮਗਜ਼। ਅਜੇ ਮੈਂ ਬਿਸਕਿਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਜੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਚਮਚ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਅਤੇ 2 ਸਾਦੇ ਆਮ ਅੰਡੇ ਡਾਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ,